अभी हम करेंगे 4.6 4.5 हमने कल कर लिया था, वीडियो YouTube पर अवेलेबल है, आज कर जाके देख लेना ठीक है। 4.6 एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। देखो बेटे एक आपको कुछ एलिमेंट लिया हुआ है, इसका जो लेंथ है वो है डेल्टा एक्स, इसकी लेंथ कितनी है यानी यहां से लेकर यहां तक आई कैप। आई कैप का मतलब है यहां पर कि जो हमारा लेंथ है वो एक्स डायरेक्शन में है, अंडरस्टूड। इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पीयर। इस एलिमेंट में से 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, कितना एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। अगर हम वाई एक्सिस पर एक पॉइंट ले लें जो कि 0.5 मीटर डिस्टेंस पर हो, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मान लो ये पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर गिवन है, डेल्टा एक्स कितना गिवन है बेटे 1 सेंटीमीटर, मतलब 10^-2 मीटर, आया ना बोलो। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कल हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ किया था, एक करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो कौन सा लॉ किया था, बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो क्या कहता है बायोट सेवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है भाई, dB is equal to mu naught upon 4 pi idl cross r divided by r cube, यही तो था, आया ना बोलो। हाँ जी, mu naught upon 4 pi की वैल्यू 10^-7, i की वैल्यू 10, इज दैट क्लियर। अब देखो बेटे dl क्रॉस r, dl किधर है हमारा, डेल्टा x i कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद r, किधर है हमारा 0.5 यानी 1/2, डायरेक्शन कौन सी है जी, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय r क्यूब, r हमारा 0.5 है, 1/2 इसका क्यूब करेंगे 1/8, आया ना बोलो। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, यहां तक ठीक है बेटे। अब इसे सॉल्व करो, dB आ जाएगा आपका टेस्ला, तो dB बराबर आ जाएगा 10^-7 और एक ये हो गया, तो 10^-6 ये 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ गया। इसको करो डेल्टा एक्स आई क्रॉस जे क्या होता है बेटे, डेल्टा एक्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो अलग आ गया मैग्नीट्यूड में, डेल्टा एक्स कितना है 10^-2, मल्टीप्लाई किससे कर दिया हाफ से, आई क्रॉस जे क्या होता है k, आई क्रॉस जे क्या होता है k, समझ आई बात के नहीं आई, बस ये हो गया। dB बराबर आ गया बेटे 4×10^-8 k कैप टेस्ला, 4×10^-8 k कैप टेस्ला, कोई डाउट है तो बोलिए, इज इट ओके टू यू ऑल। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें क्या करना था बेटे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, क्या निकालना था मैग्नेटिक फील्ड, हमने किस तरीके से किया वेक्टर्स का यूज करके। कई बार बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी जगह फार्मूला ये लगा दें, dB is equal to mu naught upon 4 pi idl sin theta divided by r square, idl sin theta divided by तो इसमें देखो क्या है, ये बड़ा ही सिंपल है, वैल्यू पुट कर देंगे, i की पुट कर देंगे, dl की पुट कर देंगे, यहां पर वेक्टर नहीं लगाना, हमने मैग्नीट्यूड लिखा है ना सिर्फ, तो i कैप j कैप की जरूरत नहीं होगी, dl पुट कर दिया, थीटा थीटा किस किस के बीच में, dl और r के बीच में, dl किधर है x एक्सिस में, r किधर है y एक्सिस में, थीटा हो गया 90 डिग्री sin 91, r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ जाएगा। बट क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आपको उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, ये तो सिर्फ क्या आया बेटे मैग्नीट्यूड, आपको क्या बतानी पड़ेगी डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे बताएंगे, dl से r की तरफ उंगलियों को घुमाओ, थंब विल गिव द डायरेक्शन, तो अगर ये x है ये y है तो ये z हो गया ना, तो z एक्सिस आ गया, तो यहां पर आपको डायरेक्शन अलग से बतानी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड अलग से बताना पड़ेगा, हमने वेक्टर का यूज करके किया तो हमारा आंसर के अंदर डायरेक्टली विद डायरेक्शन आंसर आया।